Good morning, student. Today we will discuss about the drosophila. Why we use drosophila as in experimental material in the genetical experiments. तो इससे पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी. लॉकडाउन 4 शुरू हो चुका है, 5 की नौबत ना आने दें. ठीक है बेटा, लॉकडाउन 4 के अंदर बहुत ज्यादा हमें रियायतें मिली हैं, बहुत ज्यादा छूट मिली है. हमें लग रहा है नॉर्मल रूटीन में लाइफ स्टार्ट हो गई है, बट ऐसा नहीं है बेटा. जरूरत पे ही जाएं, मजबूरी में खोला गया है ये, खोला भी नहीं गया है. नाम लॉकडाउन का है, रियायत सारी मिली हुई है लोगों को, लेकिन इसका फायदा ना उठाएं. अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें. इसी शुभकामना के साथ आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे कि ड्रोसोफिला को क्यों यूज किया गया. फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको इम्पोर्टेंट चीज मैं बताना चाहती हूँ वो ये कि एक साइंटिस्ट थे थॉमस हंट मॉर्गन, जिन्होंने जेनेटिक्स के क्षेत्र में, ये यूं कहो कि जेनेटिक्स को स्टार्ट ही उन्होंने किया था. ही इज नोन एज द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स. जिन्होंने एक्सपेरिमेंट करने शुरू किए, इनको फ्लाई मैन ऑफ द एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स भी बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने जिस जेनेटिक मटेरियल को यूज किया था वो एक उड़ने वाली मक्खी थी. मक्खी उन्होंने यूज किया. लोग बड़ा मजाक उड़ाते हैं या मक्खी भी क्या थी, बहुत सारे प्लांट थे, लेकिन इन्होंने यूज किया. देखो हर चीज के पीछे कुछ रीजन होते हैं. ये क्वेश्चन कई बार बन जाता है कि ड्रोसोफिला को ही क्यों यूज किया गया, फ्रूट फ्लाई को ही यूज क्यों किया गया और चीजों को यूज क्यों नहीं किया गया. तो यहाँ पे मैंने ये बोर्ड पे जो टॉपिक्स लिखे हुए हैं वो यही चीजें बताएंगे कि क्यों ड्रोसोफिला को यूज किया गया और किसी चीज को यूज क्यों नहीं किया गया. तो सबसे पहले मॉर्गन जो थे, इन्होंने जेनेटिक्स के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम किया. सबसे ज्यादा काम इन्होंने किया, इन्होंने शुरुआत जेनेटिक्स की करी. एक्सपेरिमेंटल कर करके लोगों को कन्विंस किया कि कैसे जेनेटिक्स में चीजें इधर से उधर ट्रांसफर हो रही हैं. क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स लिंक क्रोमोसोम, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर, ऐसी बहुत सारी चीजों के बारे में उन्होंने बताया, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. बट टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द कि व्हाई वी यूज ड्रोसोफिला. सबसे पहले ड्रोसोफिला को क्यों सिलेक्ट किया गया, सबसे पहले बात ये थी कि होती क्या बला है. अगर आपने कभी कोई फ्रूट सड़ता हुआ देखा हो, या कोई फ्रूट आप ला के रख दो और वो उसको छोड़ दो, उसको ध्यान मत दो, उसके साथ क्या होगा, तो धीरे धीरे उसके ऊपर एक मक्खी आनी शुरू हो जाएंगी, छोटी 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 छोटी. दे आर ड्रोसोफिला, इसीलिए उसको हम फ्रूट फ्लाई भी बोलते हैं. ये किस रीजन की वजह से सिलेक्ट की गई थी, ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज. इसका छोटा साइज था इस वजह से सिलेक्ट की गई. इजिली अवेलेबल एंड इजिली कल्चर्ड इन लैब ऑन ईस्ट एंड मोलेसेस. मोलेसेस होता है गुड़ वगैरह का या चीनी का जो रॉ प्रोडक्ट होता है ना, गन्ने से जब चीनी बनती है तब निकलता है ये, और ईस्ट के ऊपर ही अच्छे से कल्चर करवा सकते हैं. यानी कि आपको अगर इसको रियर करना है तो आप इसको लैब में रियर कर सकते हो, अगर वैसे नहीं है तो आपको फ्रूट्स के ऊपर उड़ती हुई नजर आपको ये आ जाएगी. इजिली आप इसको कैच कर सकते हो फ्रूट की शॉप से. इसकी लाइफ स्पैन बहुत ही छोटी होती है, और इसकी जो नई जनरेशन आती है 2 हफ्ते के अंदर नई जनरेशन इसकी आ जाती है. और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये एक लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनिक प्रोड्यूस करती है विद सिंगल मेटिंग. यानी कि एक बार अगर ये मेटिंग करता है, करती है ड्रोसोफिला, तो ये लगभग 1000 के करीब प्रोजेनिक प्रोड्यूस करती है. तो सैंपल साइज होता है वो काफी बड़ा हो जाता है. इट कैन बी इनएक्टिवेटेड बाय ईथर. इसको इनएक्टिवेट करके इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना बड़ा आसान होता है, तो ईथर से इसको इनएक्टिवेट किया जा सकता है. इसकी जो फीमेल है वो काफी लार्ज साइज की होती है, तो इसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं मेल और फीमेल को. बहुत मुश्किल ही होती है ढूंढने में कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है, 2 मिलीमीटर की मक्खी में कैसे ढूंढूंगी, लेकिन ये इजीली आइडेंटिफाई हो जाती है. द रीजन इज साइज. ओके, दे हैव 4 पेयर ऑफ एक चीज यहाँ रह गई, दे हैव ओविपोजिटर ऑन द रियर एंड दे आर लार्जर देन द मेल. मेल से बड़ी होती है और उसमें ओविपोजिटर भी पाए जाते हैं. नेक्स्ट इसमें बताया कि क्रोमोसोम नंबर इसमें बहुत थोड़े होते हैं, 4 क्रोमोसोम होते हैं, 2n = 4. अलग अलग साइज के. इसमें जो वाई मेल में जो है वो क्रोमोसोम मिलेगा XX और फीमेल में मिलेगा XY और फीमेल में मिलेगा XX. अगर आपने सेक्स डिटरमिनेशन ढंग से पढ़ा है, जो मैंने करवाया था अभी लास्ट टॉपिक, उसके अंदर आपने देखा होगा XX फीमेल XY. ओके, इसका जो फीमेल मेल वाई क्रोमोसोम होता है वो हुक्ड होता है, मुड़ा हुआ होता है, मतलब इस तरीके से आप कह सकते हो, इस तरीके जो हुक होता है वो मुड़ा हुआ होता है. यहाँ पे पॉलिटिन क्रोमोसोम मिलते हैं इसकी स्लाइवी ग्लैंड के अंदर. और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसकी जो ब्रीडिंग होती है वो काफी चीप होती है, काफी सस्ती होती है, बहुत ज्यादा आपको इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता है. अब हम बात करते हैं इन साइंटिस्ट की, टीएच मॉर्गन की, जिन्होंने इस पूरे एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स की नींव रखी. इन्होंने बेटा बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, इन्होंने लिंकेज के बारे में बताया, इन्होंने क्रोमोसोमल लिंकेज, क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस ऑफ लिंकेज के बारे में बताया,
ठीक है, इन्होंने सेक्स लिंक जीन के बारे में बताया, सेक्स लिंकेज के बारे में बताया, इन्होंने क्रॉसिंग ओवर के बारे में बताया, इन्होंने ये भी बताया कि अगर क्रॉसिंग ओवर जो होती है इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लिंकेज, ठीक है, लिंकेज जितनी ज्यादा होगी जीन की उतना ही क्रॉसिंग ओवर कम होगा, क्रॉसिंग ओवर जितना ज्यादा होगा उतने ही रिकॉम्बिनेंट ज्यादा बनेंगे, क्रॉसिंग ओवर ज्यादा रिकॉम्बिनेंट ज्यादा बनेंगे। और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि दो जीन आपस में जो उनके बीच का डिस्टेंस है वो जितना बढ़ता जाएगा क्रॉसिंग ओवर के चांस भी बढ़ते जाएंगे, जीन के बीच में डिस्टेंस जितना कम होगा लिंकेज बढ़े, लिंकेज जो है बढ़ेगी, क्रॉसिंग ओवर घटेगी। डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिंकेज, जितना ज्यादा डिस्टेंस उतनी कम लिंकेज, ठीक है। इस तरीके से ये इन्होंने क्रॉसिंग ओवर के साथ किया था, सॉरी क्रॉसिंग ओवर, जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना ही ज्यादा क्रॉसिंग ओवर होगी और उतने ही ज्यादा क्या बनेंगे बेटा, रिकॉम्बिनेंट बनेंगे। तो एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स की नींव इन्होंने रखी थी और ड्रोसोफिला को इन्होंने अपना एज जेनेटिक मटेरियल यूज किया था। इसके अलावा मॉर्गन कैसल नाम के कई साइंटिस्ट थे जिन्होंने इनके साथ मिलकर काम भी किया था। अगर 1% रिकॉम्बिनेंट होता है किसी भी एक्सपेरिमेंट के अंदर, 1% रिकॉम्बिनेशन को हम लोग 1 मैप यूनिट मान लेते हैं, ठीक है। इसके बारे में आगे और एक्सप्लेनेटरी आएगा जब आप लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर करेंगे। तो ये आज का हमारा थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी था लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर की। स्टार्टिंग करने से पहले हम लोग मॉर्गन के बारे में पढ़ते हैं, उन्होंने जिस एक्सपेरिमेंटल मटेरियल को यूज किया उसके बारे में पढ़ते हैं। तो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।